हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करेंगे जो सीरीज हमने स्टार्ट की है क्लास 9th की एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का, उसका ये दूसरा वीडियो है। तो देखो बच्चों, अभी तो हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट ही कर रहे हैं। इसका नाम क्या है? मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। तो उस चैप्टर का क्या है, आज सेकेंड वीडियो है। अब देखो बच्चों, जो कुछ क्वेश्चन हम लोग किए थे और आगे के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करने होंगे, कुछ फॉर्मूले को ध्यान में रखने होंगे। क्या करने होंगे बच्चों? कुछ फॉर्मूले याद करने होंगे हम सभी को। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, ओके? तो आइए, पहला फॉर्मूला है आपका लेटेंट हीट का। क्या फॉर्मूला है बच्चा? लेटेंट हीट का। लेटेंट हीट आप लोग जानते ही होंगे, मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। देखो बच्चों, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है? एल से डिनोट करते हैं, एल इक्वल टू क्यू अपॉन एम। ये इसका एक बेसिक फॉर्मूला है। क्या है? एल इक्वल टू क्यू अपॉन एम, जहां पर जो क्यू है ये क्या है बच्चों? ये हीट है। क्या है? क्यू हीट है। एम क्या है? मास है। और एल आपका लेटेंट हीट है। क्या है बच्चों? लेटेंट हीट है, ओके? तो ये एक फॉर्मूला हो जाएगा कि एल इक्वल टू क्यू अपॉन एम। अगर कहीं से क्वेश्चन आ जाए कि इसका लेटेंट हीट का यूनिट बताइए, क्या बताइए? यूनिट ऑफ लेटेंट हीट। अच्छा, हम सभी जानते हैं ना कि क्यू हीट है। क्या है? क्यू हीट है। तो हीट का यूनिट क्या होता है? हीट का यूनिट क्या होता है बच्चों? हीट का यूनिट होता है आपका क्या? जूल। क्या होता है? जूल। और मास का एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, जिसको हम लोग किसे दिखाते हैं? केजी से। तो इस लेटेंट हीट का फॉर्मूला है क्या? क्यू अपन एम। तो क्यू की जगह पर क्या रखेंगे? जूल। तो इसका यूनिट आ जाएगा क्या? जूल पर केजी। अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो लिख देंगे जूल केजी इनवर्स। कोई दिक्कत? ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक दो क्वेश्चन इस पर हम लोग आगे करेंगे, ओके? कोई दिक्कत नहीं है। आइए, एक ठीक ऐसे ही एक दो और फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले वो हैं क्या? फॉर्मूले है कि कैसे सेल्सियस को फॉरेनहाइट में चेंज करेंगे, सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और फॉरेनहाइट को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके बच्चों, आ जाइए, देख लीजिए कैसे करेंगे हम लोग। इसको नोट कर लेना एक बार, क्योंकि बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा? सेकेंड फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला क्या है अपना? सेल्सियस टू केल्विन, यानी किससे बदलना है? डिग्री सेल्सियस किस में कन्वर्ट करना है हमें? केल्विन में। तो करना क्या पड़ेगा हमें? केल्विन में लाने के लिए, केल्विन में लाने के लिए जो डिग्री सेल्सियस होता है उसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं? 273.15.15। जैसे इसको ऐड करेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अगर सेल्सियस में 273.15 ऐड कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? केल्विन में। किस में? केल्विन में, ओके। अगर मैं यहीं से एक चीज और पता करना चाहूं कि सेल्सियस को केल्विन को कैसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, देखो बच्चों, ये क्या है? प्लस है ना? अगर प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? तुम लोग इसको ऐसे लिख देंगे क्या? केल्विन माइनस 273.15। ये भी फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो एक बार। लिख लिए डिग्री सेल्सियस को हमें कन्वर्ट करना, केल्विन को किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्री सेल्सियस में। तो क्या करना पड़ेगा? केल्विन माइनस 273.15।
को माइनस कर देंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। आइए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला है क्या, सेल्सियस टू फॉरेनहाइट। क्या है सेल्सियस टू फॉरेनहाइट। अब देखो बच्चों इनको हम लोग दिखाते हैं कैसे, इनको कैसे दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं हम लोग डिग्री सेल्सियस से, किससे, डिग्री सेल्सियस से। इसको कैसे दिखाते हैं, डिग्री फॉरेनहाइट से। ओके अब इनका इंटर कन्वर्जन करना है, क्या करना है, इंटर कन्वर्जन करना है। तो आइए इसके लिए एक फॉर्मूला है क्या, फॉरेनहाइट इक्वल टू 9/5 इनटू डिग्री सेल्सियस। क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, डिग्री सेल्सियस। अब फॉरेनहाइट इक्वल टू 9/5 इनटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, इसका एक बेसिक फॉर्मूला है, यही है आपका, क्या है, यानी अगर सेल्सियस में दिया है आपको, अगर उसको फॉरेनहाइट में लाना है, सेल्सियस टू फॉरेनहाइट, तो क्या करना पड़ेगा हमें, क्या करना पड़ेगा, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 ऐड कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब 32 क्या है, 32 क्या होता है, लोएस्ट डिवीजन होता है ना फॉरेनहाइट स्केल में, सॉरी फॉरेनहाइट टेम्परेचर की जो स्केल होती है उसकी जो लोएस्ट रीडिंग होती है, सबसे जैसे जीरो से स्टार्ट होता है सेल्सियस में, तो फॉरेनहाइट में कैसे स्टार्ट होता है, 32 से। ओके देख लो, कोई दिक्कत, ओके ओके वेरी गुड। अगर मैं यहां से कुछ सॉल्व करना चाहें तो क्या होगा, अगर मुझे मान लो डिग्री सेल्सियस पता करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, पहले तो 32 को उधर भेजें तो क्या होगा, ये देखो डिग्री फॉरेनहाइट, यहीं से मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं, डिग्री फॉरेनहाइट माइनस 32, डिग्री फॉरेनहाइट माइनस 32 प्लस है, इक्वल टू साइड गया लेफ्ट साइड तो माइनस हो गया, इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस है, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस है, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस है, ये आपका क्या हो गया, ये बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है इस स्केल से, यहां पर मैंने लाया है। अब देखो बच्चों इधर जो मल्टीप्लाई किया गया है 9/5 से, किससे किया गया, 9/5 से, अगर ये मैं इसको लेफ्ट साइड भेजूं तो क्या हो जाएगा, ये बताना एक बार मुझे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिग्री फॉरेनहाइट माइनस 32, एक तो ये है, ये इसको ब्रैकेट में बंद कर दे रहे हैं क्योंकि पहले यही होगा ना, ये यहां से, और ये जैसे ही इधर ट्रांसपोज करेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, इनटू 9/5 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, ये आपका सिंपल सा क्या है, रिलेशन है। देख लो एक बार, देख लो, ये 5/9 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा, 5/9। देखो यहां तक तो समझ में आया ना कि ये प्लस से इधर गया तो माइनस में, तो डिग्री फॉरेनहाइट माइनस 32, ओके ये हो गया। अब 9/5 जैसे इसको लेफ्ट साइड साइड लाएंगे तो ये 5/9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक अलजेब्रा के रूल्स हैं। तो डिग्री सेल्सियस टू फॉरेनहाइट ऐसे आ गया और ये सेल्सियस टू फॉरेनहाइट ऐसे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो एक बार। ठीक है, तो बस यही कुछ क्या है, बेसिक फॉर्मूलाज थे जो आपको आने चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पर, फॉर्मूला रिवीजन तो हो गया हमारा, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पर। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है, देखो क्वेश्चंस क्या है, देखो हाउ the rate
ऑफ इवेपोरेशन कैन बी अफेक्टेड कैन बी अफेक्टेड। ये एक क्वेश्चन है नाइन्थ का, बहुत ही जो मतलब 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं ना वहां से है ये। पहले तो देखा कि डिफाइन इवेपोरेशन और हाउ द रेट ऑफ इवेपोरेशन कैन बी अफेक्टेड। ये क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में नहीं होगा तो किसी और फॉर्मेट में होगा, लेकिन उसका जो एक्चुअल मीनिंग होगा वो यही होता है। तो इवेपोरेशन होता क्या बच्चों? इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस फेज, यानी लिक्विड गैस में चेंज होता है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इवेपोरेशन बोलते हैं। तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स होती हैं, जो फैक्टर्स क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं इस इवेपोरेशन के रेट के लिए, यानी कितना जल्दी इवेपोरेशन होगा उसको अफेक्ट करने के लिए कुछ प्रोसेसेस हैं, कुछ फैक्टर्स हैं। पहला क्या है बच्चा? पहला क्या है? पहला है आपका टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। देखो गर्मी में टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है ना तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है अपना, यानी उसमें इवेपोरेशन की रेट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो मैं बोलूं क्या, जैसे जैसे टेम्परेचर अगर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा आपका? इवेपोरेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। कोई दिक्कत? यानी जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो कपड़ा अपना कैसा होता है? जल्दी सूख जाता है ना। तो उसी से रिलेट करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या है? ह्यूमिडिटी। क्या है? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी है क्या बच्चों? कि एटमॉस्फेयर में यानी एयर में गैस के कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वही क्या होती है? ह्यूमिडिटी होती है। यानी मैं बोलूं कि ह्यूमिडिटी कब ज्यादा होती है? बरसात के मौसम में, यानी जब बारिश का मौसम होता है तो वहां पे क्या होता है? ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होता है। तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो बारिश के दिनों में देखते हो कपड़ा कहाँ सूखता है जल्दी भाई। तो ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगा तो जो आपका इवेपोरेशन होगा, वो क्या होगा बच्चों? कम होगा। देखो यहां समझ में आ रहा होगा, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा तो इवेपोरेशन कम, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड फैक्टर देखो बच्चा क्या है। थर्ड फैक्टर काफी इंटरेस्टिंग है। क्या है ये? ये है विंड स्पीड। अब देखो जैसे ही हम लोग गर्मी का मौसम आता है ना उसमें हवा बहती है, जो गांव के लोग होंगे वो और अच्छे से इसको रिलेट कर पा रहे होंगे कि विंड स्पीड जैसे ही ज्यादा होती है, हवा का जो स्पीड होता है जैसे ही ज्यादा होता है इवेपोरेशन काफी ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? काफी ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से अगर हमें भी हमारी स्किन क्या होने लगती है? ड्राई होने लगती है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होता है? मॉइस्चराइजर का यूज करना पड़ता है। यानी देखो बच्चों जैसे ही विंड स्पीड ज्यादा तो इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फोर्थ देखो बच्चों, फोर्थ है आपका सरफेस एरिया। क्या है? सरफेस एरिया। और देखो जैसे क्या है ना कि एक ग्लास में पानी रखो, क्या रखो? एक ग्लास में पानी है, सब एज्यूम करो, मान लो, और एक थाली में पानी है, उसको धूप में रख देते हैं तो किसका पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा? थाली वाला पानी क्या हो जाएगा? जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा हो जाए, थाली के सरफेस एरिया क्या ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है, तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए देखना अगर हम लोग कपड़े वगैरह कभी धूप में ले जाते हैं तो जो बड़े कपड़े होते हैं जैसे साड़ी हो गया,
ये टॉवेल हो गए, ये सब क्या हो जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। ना कि जींस, जींस वो टाइम लगता है, क्यों, उसका सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है, इसलिए इवेपोरेशन क्या होता है उसमें, स्लो होता है, तो लंबा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लगभग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लीजिए, इसको देख लेना एक बार, समझ लेना, ठीक है ना। इसी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं हम लोग, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन कर लेते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं क्या, एनसीईआरटी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये आप लोगों को आता भी होगा और इसको लगभग मैं बहुत बार डिस्कस भी कर चुका हूं। कन्वर्ट द टेम्परेचर इनटू डिग्री सेल्सियस, यानी जो टेम्परेचर दिए गए उसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, डिग्री सेल्सियस में। तो पहला क्या है आपका, 293 केल्विन। ओके, सेकंड क्या दिया है 470 केल्विन। क्या दिया बच्चों, 470 केल्विन। अब देखो इसको ये केल्विन दिया गया है, हमें किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में। तो हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े थे, फॉर्मूला भी, डिग्री सेल्सियस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, केल्विन माइनस 273.15। ठीक है, ये हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि यही फॉर्मूला है अपना। अब फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है इसको आप लोग बड़े क्लास में आओगे तो समझ जाओगे। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे, केल्विन क्या है, 293, इसको देखो सिंपल रखने के लिए 273 ही रखते हैं, ताकि इजिली क्या हो जाएगा, अपना सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 93.02। क्या आ गया ये, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या आ गई, 20 डिग्री सेल्सियस। बात समझ आई कि नहीं, यही फॉर्मूला है, बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट किए हैं, आंसर अपना अपने हाथ में। ठीक, इससे भी माइनस कर दो, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 470 माइनस 273, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 और ये 9। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, 2, ये आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है, ये नहीं, यहां पे 1 होगा, क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है आपका, ज्यादा क्वेश्चन है उसमें, 3-4-5 क्वेश्चन होंगे सर ऐसे ही। ठीक है बच्चों, देख लिए, अब क्या दिया है, अब सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा आपको, सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक जो थर्ड क्वेश्चन ही है सर, थर्ड का ये क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर, इसमें दिया गया है कि नेफ्थलीन बॉल डिसअपीयर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉल्यूट, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, यानी जो फिनाइल की गोली होती है ना वो कुछ टाइम बाद खत्म हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, ऐसा क्यों, तो क्यों रीजन है उसका, बिकॉज, लिख लो इसको, बिकॉज नेफ्थलीन बॉल अंडरगोज इसके अंडरगोज जाती है बच्चा
सबलिमेशन के, बिकॉज नथिंग बॉल अंडरगोज सबलिमेशन ड्यू टू विच इट डिसअपीयर्स। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, सबलिमेशन की वजह से ही क्या होता है, नथिंग बॉल आपका डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है और डिसअपीयर हो जाता है। सबलिमेशन जानते हैं ना क्या होता है आप लोग? सबलिमेशन इज अ डायरेक्ट प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस इनटू गैसेस, सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस एंड गैसेस डायरेक्टली चेंजेस इनटू सॉलिड। इसको बोलते हैं एंटी सबलिमेशन या फिर डिपोजिटेशन। कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन है कि वही परफ्यूम वाला क्वेश्चन है कि एक रूम में परफ्यूम यूज कर रहे हैं तो दूसरे रूम में महकता है, क्यों? बिकॉज वी नो डैट The particles of gas are constantly moving, due to which it happens. यानी जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करते रहते हैं, इसकी वजह से हमें क्या होती है, उसकी फ्रेग्रेंस दूसरे रूम में भी महसूस होती है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि अरेंज करना है, क्या करना है, अरेंज करना है। इसको मैं कल कराया था सर, वाटर शुगर और ऑक्सीजन, इनको हमें अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी होगा या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे इनको अरेंज करना है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम किस में होता है, गैसेस में, आपका क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, उसके बाद वाटर, उसके बाद शुगर जो कि क्या है, सॉलिड है। और सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं आपके, सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों, ये ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं ना, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होती है। तो ये आपका हो गया क्या, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, थर्ड नहीं था ये फोर्थ था। उसके बाद दिया है क्या, उसके बाद दिया है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। तो देखो ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग को समझना चाहिए कि वाटर फ्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, कब, एट 0°C। और बॉयल कब होता है, बॉयल मतलब क्या, गैसियस फेज में कब आता है, 100°C पर। तो इसमें हमें क्वेश्चन करना है कि फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर के बारे में बताना है कब, पहला 25°C, सेकेंड है आपका 0°C, थर्ड क्या बच्चों, 100°C। अब देखो जीरो पर क्या होता है, सॉलिड होता है आपका, यानी जीरो पर क्या होता है, ये आइस, नीचे लिख दोगे सॉलिड। 100°C पर क्या होता है, ये वेपर, क्या होता है, वेपर, यानी ये क्या होता है, गैस। तो बीच वाले में क्या होगा बच्चों, सॉलिड और गैस के बीच में क्या आता है, लिक्विड। तो इसमें क्या बोलोगे, लिक्विड। तो ये आपका क्या हो गया, एनसीईआरटी का फिफ्थ क्वेश्चन भी क्या हो गया आपका, सॉल्व हो गया। सिक्स क्वेश्चन क्या है, गिव टू रीजन टू जस्टिफाई वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हमें ये बताना है, ये प्रूफ करना है कि बताइए वाटर रूम टेम्परेचर पर क्या है, लिक्विड है। तो लिक्विड होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, यानी कौन कौन से कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जो वाटर है वो क्या है, लिक्विड है। तो पहला रीजन क्या हो सकता है कि इट डजंट हैव फिक्स्ड शेप, यानी वाटर इज लिक्विड बिकॉज इट डजंट हैव फिक्स्ड शेप, यानी पहला क्या है, उसके पास क्या नहीं है, पहला क्या बच्चों, उसके पास
कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, क्या नहीं है उसके पास, क्या नहीं है, फिक्स्ड शेप नहीं है। वाटर इज लिक्विड, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहला क्या है, डज नॉट Does not have fixed shape, does not have fixed shape, okay? Second क्या बच्चों, ये देखो second है आपका, it can flow. अब ये flow हो सकता है जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि ये liquid है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी में क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, तो ये हो गया, सेकंड हो गया कि अलमीरा आपका क्या है, सॉलिड है, अलमीरा क्या है, सॉलिड है, इसके पीछे रीजन क्या होगा, फिक्स्ड शेप, और सेकंड क्या बोलोगे, फिक्स्ड बाउंड्री बोल दोगे, क्या बोलोगे, बाउंड्री, या फिर ये क्या है, ये रिजिड है, रिजिड मतलब, रिजिड वो सब्सटेंस होते हैं जो फ्लो नहीं करते हैं, यानी उनका फिक्स्ड शेप होता है, और जो बाउंड्रीज होती हैं, जैसे इस चौक की बाउंड्री क्या है, फिक्स्ड है ना, कि सिलेंड्रिकल शेप में ही है, तो इसकी बाउंड्री फिक्स होने की वजह से ये क्या है, सॉलिड है, अदरवाइज मान लो बाउंड्री फिक्स नहीं होती, ये ऐसे होता ही नहीं, ये तुरंत फैल जाता हमारे हाथ में। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही बच्चों, आ रही है, तो ये सिक्स्थ क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन इज मोर इफेक्टिव टू इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। देखो इसका कितने लोगों को समझ में नहीं आता होगा इस टाइप के क्वेश्चन, तो थोड़ा देख लो बस दो मिनट, कि बोला गया है कि 273 केल्विन पर क्या होता है, आइस मोर कूलिंग प्रोड्यूस करता है, नॉट वाटर, इसके पीछे रीजन पूछा गया है, यानी 273 केल्विन पर क्या है, आइस प्रोड्यूसेस मोर इफेक्टिव कूलिंग rather than that of water। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि जैसे ही मान लो एटमोस्फेयर से क्या है, एटमोस्फेयर इससे हीट आएंगी, मान लो ये आइस है ना बच्चा, तो आइस अपने ऊपर हीट ले लेगा और इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, इसकी हीट एनर्जी क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और इन रेडिएशन का इफेक्ट आपके ऊपर आने नहीं देगा, तो खुद पर ले लिया भाई, वो जो हीट आ रहा था उस एयर में से, उसको क्या कर लिया, ये एब्जॉर्ब कर लिया गया, कर लिया, ठीक है, क्योंकि इसको स्टेट चेंज करना है, सॉलिड से किसमें बन बदलना है, मतलब कन्वर्ट होगा किसमें, लिक्विड में, तो इट लिखोगे क्या कि बिकॉज आइस एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी फ्रॉम द एयर टू टू फ्यूज इनटू अ लिक्विड वाटर, लिक्विड वाटर में फ्यूज होने के लिए ये क्या करता है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है खुद के अंदर, और हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है क्या, मोर कूलिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट प्रोड्यूसेस सीवर बर्न, ओके ये भी क्वेश्चन आ गई बर्निंग पर, तो क्वेश्चन क्या बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि स्टीम और बॉइलिंग वाटर किससे हाथ जल्दी जलता है, तो हाथ जल्दी जलता है किससे, स्टीम से, क्यों, ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ किससे, गैस में कन्वर्ट होता है ना, तो वेपराइजेशन ये आपका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा कि स्टीम कॉजेस सीवर बर्न बिकॉज ड्यू टू
ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये आपका क्या हो गया एग्जैक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं होना चाहिए, अगर है तो इस कमेंट सेक्शन में जो भी आपके डाउट्स हैं उसको आप एक बार बता देना, ताकि आने वाले वीडियोस में इसको रिजोल्व किया जा सके। ओके, तो स्टीम और बॉइलिंग वाटर में किससे जल्दी आपका हाथ जलेगा? देखो जलाना है नहीं, फिर भी बताया जा, मैं बता रहा हूं कि किससे जलेगा। तो जलता है किससे? स्टीम से। जो लड़कियां या फिर लड़कियां रोटी बनते हुए देखी होंगी, तो जब जैसे रोटी से हवा निकलती है ना, तो बहुत तेज जलता है उससे। तो उसके पीछे लॉजिक क्या है कि वो क्या करता है, स्टेट में दूसरे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसी एक्स्ट्रा हीट को क्या बोलते हैं हम लोग, लेटेंट हीट बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बर्निंग बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो होना भी नहीं चाहिए। अब एक नाइन्थ क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एट्थ क्वेश्चन था। नाइन्थ वाला क्वेश्चन क्या बोलते हैं आपका, इसको समझना, ये ग्राफ है, ये लगभग डायग्राम ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस। अब देखो दिया गया है कि सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब कौन सा प्रोसेस होता है। तो सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए मेल्टिंग होगी, ठीक है, क्या होगा मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए क्या होना है, क्या होगा मेल्टिंग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। कोई दिक्कत नहीं है। सॉलिड से लिक्विड बन, लिक्विड से सॉलिड बनने के लिए क्या होगा, अब फ्रीजिंग। फ्रिज में रखते हैं भाई, क्या बोलते हैं फ्रीजिंग। सॉलिड से गैस अभी बताएंगे, लिक्विड से गैस बनने के लिए क्या होगा बताओ आप लोग, लिक्विड से गैस बनने के लिए कौन सा प्रोसेस होगा, कौन सा होगा, इसको बोलते हैं इवापोरेशन। क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। और गैस से लिक्विड बनने के लिए क्या होता है, कंडेंसेशन। क्या होता है? कंडेंसेशन। तो कोई बोले कि डिफाइन कंडेंसेशन, तो क्या बोलोगे, कंडेंसेशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच गैसेस चेंजेस इनटू लिक्विड फेज यानी लिक्विड स्टेट। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो सॉलिड से गैस बन रहा है ना, ये डायरेक्ट प्रोसेस है। क्या है ये? डायरेक्ट प्रोसेस है। तो डायरेक्ट प्रोसेस क्या है, सॉलिड से जो जब गैस बनता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? सब्लिमेशन। और गैस से लिक्विड सॉलिड बनता है तो क्या बोलते हैं इसको, गैस से सॉलिड बनता है तो क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग डिपोजिटेशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिटेशन। देखो बच्चों क्वेश्चन डाउट है होता होगा अक्सर कि अगर बुक में मान लो सब्लिमेशन इसको भी बोला है, उसको बुरा नहीं मानना है, क्योंकि सब्लिमेशन होता क्या है, ये डायरेक्ट प्रोसेस है, सॉलिड से गैस या फिर गैस से सॉलिड बनने के डायरेक्ट प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, सब्लिमेशन बोलते हैं। लेकिन किसी किसी अच्छे बुक में क्या दिया होगा इसको, डिपोजिटेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं है। अच्छा जी, तो आज का हम लोग जो एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट है उसको हम लोग सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब कुछ क्या है, कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमने कल लास्ट वीडियो में बताया था कि इसको आप लोग देख लेना। तो क्या है उसका, क्या क्या है उसमें, कुछ डाउट्स थे कि किस टेम्परेचर पर, एट विच टेम्परेचर, एट विच टेम्परेचर। देखो जिसको सीएचएस वगैरह देना होगा इलेवेंथ में या फिर नाइन्थ में ही दे रहा होगा, नाइन्थ में दे रहा होगा फिर कैसे नाइन्थ में देखेगा। मान लो जिसको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए देना होगा, तो उसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यही होता है आपका कि एट विच टेम्परेचर, एट विच टेम्परेचर, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फॉरेनहाइट। तो इसका जो आंसर होगा ना बच्चों, ये होगा 40 डिग्री। क्या बोलोगे? 40 डिग्री। ठीक है, और
एंड माइनस 40 डिग्री। कोई दिक्कत? यानी 40 डिग्री पर क्या होता है ये, 40 डिग्री पर क्या होता है ये भी माइनस ही होगा ना, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस और माइनस 40 डिग्री फॉरेनहाइट पर क्या होता है ये, सेल्सियस और फॉरेनहाइट इक्वल होता है। कोई दिक्कत नहीं है, लगभग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है लगभग कई कई सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है बच्चों, यानी माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जो फॉरेनहाइट और सेल्सियस स्केल की जो रीडिंग होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। ओके, और एक क्वेश्चन है, कब क्या है क्वेश्चन, क्या है कि क्वेश्चन क्या है कि केल्विन और फॉरेनहाइट कब इक्वल होते हैं, ये भी एक क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए भाई, बताइए। तो इसका आंसर क्या है, 574.58 इस वैल्यू पे क्या होता है कि केल्विन का भी रीडिंग क्या आती है, सेम आती है, 574.58 डिग्री फॉरेनहाइट विल बी इक्वल टू 574.58 केल्विन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि ये एक बार एनडीए में आ चुका है, इसका मैंने देखा था एक जगह, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो टेम्परेचर यानी डिग्री सेल्सियस और डिग्री फॉरेनहाइट कब इक्वल होते हैं, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस या फिर माइनस 40 डिग्री फॉरेनहाइट पर, केल्विन और फॉरेनहाइट कब इक्वल होते हैं, 574.58 डिग्री फॉरेनहाइट इक्वल होता है किसके, 574.58 केल्विन के। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, क्या होता है, व्हाट इज ट्रू जीरो टेम्परेचर, क्या होता है, व्हाट इज ट्रू जीरो टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि ट्रू जीरो टेम्परेचर, बताइए एक बार, बताओ मेरे बच्चों, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट इसको लिख लो जीरो केल्विन, क्या बोलते हैं, जीरो केल्विन, इसी को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये भी क्या है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। अब देखो इस टेम्परेचर पे क्या होता है, जो भी मोशन होता है जितने भी पार्टिकल्स का, उस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो बोला जाता है कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका इफेक्ट यही पड़ता है कि एट दिस टेम्परेचर एवरी मोशन और एवरी वाइब्रेशन इन द पार्टिकल्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर बिकम्स जीरो। कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि 1 डिग्री सेल्सियस की क्या वैल्यू होती है फॉरेनहाइट में, ठीक है, तो इसकी ये भी देख लो, तो 1 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 1.8 डिग्री फॉरेनहाइट के। ये लगभग एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चंस हैं जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, एनफ है। अब जो मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर है ना अपना, वो कंप्लीट हो गया है, क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया है। और आगे आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, और जो भी सजेशंस हो प्लीज इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। और तब तक के लिए इजाजत दीजिए और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।